अफगानिस्तान के खिलाफ आया सुपर ओवर के महामुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का तूफान तो रवि बिश्नोई की गेंदबाजी ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल T20 महामुकाबले के टाई होने के बाद सुपर ओवर का मुकाबला खेला गया, जहां पर पहला सुपर ओवर भी हमें टाई होता हुआ दिखा। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने काफी दमदार परफॉर्मेंस किया। तो वहीं पर पहले सुपर ओवर में भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहित शर्मा के बल्ले से हमें देखने को मिली, लेकिन आखिरी सुपर ओवर में टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाकर मुकाबले को अपने नाम पर किया। हालांकि भारतीय टीम ने भी संजू सैमसन, रिंकू सिंह का विकेट खोया था इस सुपर ओवर के मुकाबले में, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने 11 रन बना दिए। तो वहीं पर अफगानिस्तान की टीम मात्र 1 ही रन बना सकी। और यहां पर इस सुपर ओवर के महामुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आखिरकार किस तरह से यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शतक जमाए, तो रिंकू सिंह के बल्ले से भी 50 पारी देखने को मिली। तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और अगर आप भी टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से ही, तो आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने, और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहाँ पर गेंदबाजी के लिए पहले अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल के साथ हिटमैन रोहित शर्मा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को भी पहली सफलता मिल गई। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद नबी ने इनका कैच पकड़ लिया और यहां पर फरीद अहमद ने इनका विकेट लिया। 6 बॉलों पर 4 रन बनाने के बाद ये भी चलते बने। इसके बाद विराट कोहली पारी को संभालने आए, लेकिन आज के मुकाबले में दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली भी बड़े शॉट के साथ बेहतरीन आगाज करना चाहते थे, लेकिन बिना खाता खोले ये भी पवेलियन लौटे इब्राहिम जादरन ने इनका कैच पकड़ लिया। इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने शिवम दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन शिवम दुबे भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। अब तक के 2 मुकाबलों में अपनी 50 जमाने वाले शिवम दुबे 6 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके, और यहां पर रहमान उल्ला गुरबाज के हाथों से कैच आउट हो गए। और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला को यह विकेट मिला। इसके बाद भारतीय टीम की पारी को संभाला रोहित शर्मा के साथ यहां पर संजू सैमसन ने, लेकिन संजू सैमसन भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। संजू सैमसन को एक बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन आज के मुकाबले में चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ये भी आउट हुए। मोहम्मद नबी ने इनका कैच पकड़ा बिना खाता खोले, ये भी चलते बने। इसके बाद आखिरी में पारी को संभाला रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह ने, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करी। 5 ओवर तक जहां पर भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा था 22 रनों के पार, और अब तक भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन इसके बाद टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई हिटमैन रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह ने। 5 ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दमदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद रिंकू सिंह ने भी काफी दमदार परफॉर्मेंस किया। 6 ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, जहां पर सलीम गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे। दमदार फॉर्म में रिंकू सिंह ने शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर छक्का जड़ा। तो इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से भी दमदार छक्का देखने को मिला। भारतीय टीम जहां पर 8 ओवर तक अपने स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाने में सफल रही। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने दमदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया।
तो वहीं पर हिटमैन रोहित शर्मा ने भी काफी दमदार परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। 4वें ओवर की 4थी बॉल पर रोहित शर्मा के बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की 1ली गेंद पर रोहित शर्मा ने दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 12वें ओवर की 3री बॉल पर रिंकू सिंह के बल्ले से भी शानदार छक्का हमें देखने को मिला। रोहित शर्मा ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके साथ ही रिंकू सिंह भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। 15वें ओवर की 1ली गेंद पर रोहित के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 2री गेंद पर रोहित ने शानदार छक्का भी जड़ दिया। तो वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह ने भी 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा और चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की 1ली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से दमदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 3री गेंद पर रोहित ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर करीम जन्नत की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और छक्का जड़ दिया। इनका छक्का यह काफ़ी दमदार देखने को मिला था। वहीं पर रिंकू सिंह ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले में अपनी 50 जमाई। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने भी 18वें ओवर की 3री बॉल जो कि अजमतुल्ला डालने आए थे दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ इन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। यानी कि रोहित के बल्ले से यहाँ पर शतक की पारी भी हमें देखने को मिली। तो इसके बाद यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी शानदार छक्का जड़ा और इसी दमदार छक्के की बदौलत इन्होंने भी अपनी 50 पूरी कर ली। तो वहीं पर 19वें ओवर की 1ली गेंद पर रोहित के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो 19वें ओवर की 2री गेंद जो कि 9 बॉल देखने को मिली थी जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। भारतीय टीम को एक्स्ट्रा बॉल मिली। इसके बाद 19वें ओवर की 4थी बॉल पर रिंकू सिंह ने भी दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद 5वीं गेंद और आखिरी गेंद पर लगातार इन्होंने 2 और छक्के जड़ दिए। यानी कि रिंकू के बल्ले से लगातार 3 छक्के हमें देखने को मिले जिसकी बदौलत भारतीय टीम अपने 4 विकेट खोने के साथ ही 212 रन बनाने में सफल रही। यानी कि अब टारगेट है यहां पर अफगानिस्तान की टीम के सामने 213 रनों का। हम बात करें यहां पर 213 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के बारे में, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे इब्राहिम जादरन के साथ यहाँ पर रहमान उल्ला गुरबाज, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को काफी मजबूत शुरुआत दिलाई। 1ले ओवर की 2री गेंद पर गुरबाज ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 2रे ओवर की 2री गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए, इनकी गेंद का भी बेहतरीन आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 4थी गेंद पर गुरबाज के बल्ले से शानदार छक्का भी देखने को मिला। 3रे ओवर की 1ली गेंद पर इब्राहिम जादरन ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की 3री गेंद पर जादरन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। यानी कि टीम काफी मजबूत स्थिति में मैदान पर उतरी। आज के मुकाबले में काफी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। 6 ओवर तक टीम ने अपने स्कोर को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। तो इसके साथ ही इब्राहिम जादरन और रहमान उल्ला गुरबाज ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को काफी मजबूत स्थिति में पहुँचाया। 8वें ओवर की 2री गेंद पर जो कि कुलदीप यादव डालने आए, गुरबाज ने शानदार आगाज किया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी गेंद पर भी दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 9वें ओवर की 2री गेंद पर यहां पर इब्राहिम जादरन के बल्ले से दमदार चौका देखने को मिला। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे थे शिवम दुबे, जहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने मिड विकेट की तरफ दमदार छक्का भी जड़ दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की 3री गेंद पर गुरबाज ने दमदार आगाज किया कुलदीप यादव की गेंद का और शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जहां पर कुलदीप यादव ने गुरबाज को पेवेलियन की राह दिखाई। वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 32 बॉलों पर अपनी 50 जमाने के बाद पेवेलियन लौटे।
यानी कि 50 रनों का अहम योगदान देने के बाद इनको चलता कर दिया यहां पर कुलदीप यादव ने। तो इसके बाद भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। वॉशिंगटन सुंदर ने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरन को पेवेलियन की राह दिखा दी, जहां पर 41 बॉलों पर 50 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अजमतुल्ला, लेकिन आज के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और रवि बिश्नोई के हाथों से यहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने इनको भी कैच आउट करवा दिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर इनका विकेट भी गिरा। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभाला गुलबुद्दीन ने, दमदार परफॉर्मेंस किया। मोहम्मद नबी ने भी शानदार पारी खेली। मोहम्मद नबी ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्कों के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे थे वॉशिंगटन सुंदर, जहां पर शानदार फॉर्म में चल रहे थे मोहम्मद नबी को भी पेवेलियन की राह दिखा दी। आवेश खान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जहां पर मोहम्मद नबी ने 16 बॉलों पर 34 रनों की दमदार पारी खेली और 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर इनका विकेट भी गिरा। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने गुलबुद्दीन को भी चलता किया, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके। करीम जन्नत यहां पर रन आउट हुए। तो इसके बाद पारी को संभाला आखिरी में गुलबुद्दीन नबी के साथ नजमतुल्ला जादरन, दोनों खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने जादरन को भी आउट कर दिया। विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 3 बॉलों पर 5 रनों की पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि अफगानिस्तान की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे और भारतीय टीम ने इस आखिरी मुकाबले को भी जीत कर इतिहास रचा और भारतीय टीम ने इस सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए अपने नाम पर किया।